ओके, दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप भी अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके इस प्रकार का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो बनाना बहुत आसान है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बहुत आसानी से। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो एक बार आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसमें जितने मैं मटेरियल यानी कि सॉन्ग बीट मार्क एंड प्रीसेट वगैरह जितने मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तब जाकर डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर लीजिए। एंड दोस्तों, इम्पोर्ट करने के बाद आपका जो प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला, उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिस बेल कॉल पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ सभी प्रोसेस को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको इम्पोर्ट कर लेना होगा आपके अपने अलाइट मोशन में, जो कि इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पर अपना आपका जो है पिक्सल लैब ओपन करना है। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस, इसमें मैंने फोटो वगैरह बनाने वाला हूँ, कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम कैंसिल इसको कर लेंगे, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा रहेगा इसको हम कर लेंगे इस प्रकार से डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे जो कि चौथे नंबर पे है, और यहाँ पर आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक साइज देना है 800, और यहाँ पर आपको एक साइज देना है 4000 इस प्रकार से, ठीक है। आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कलर पे क्लिक करके ऊपर में कलर पे क्लिक करें, इसको वाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में जो थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, इम्पोर्ट पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ने वाली है, जो भी इसमें आपको इमेज अच्छा लगता है वो आप इसमें इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी फोटो आपको अच्छा लगेगा आप फोटो इसमें यूज़ कर लीजिएगा। मैं पहला फोटो यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करता हूँ, इसका जो साइज़ कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आपको सही पर टिक कर देना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जो आप इसको फोटो को इस प्रकार से साइड करेंगे तो इसको इस प्रकार से आपको छोटा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको छोटा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लाइक इसे यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है, आपको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। अब इसी प्रकार से आपको नीचे सभी पर आपको लगा देना है। ओके, सो गाइस, आपको कुछ इस प्रकार से फोटोज़ को सेंटर बाय सेंटर इस प्रकार से अटैच कर देना है। मैंने कुछ इस प्रकार से अटैच कर दिया है। इसको सेव करना है तो ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है सेव एज बटन, इस पर क्लिक करके नीचे आपको इस पर कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करके आपको यहाँ पर इसको सेव कर देना है, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको सेव करने के बाद आपका जो अलाइट मोशन इसको आपको ओपन कर लेना है। एंड आगे का जो प्रोसेस होने वाला थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन करना है जो कि सॉन्ग बीट मार्क है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको रह आना है, और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी फोटो इसमें यूज़ किया, जो भी आप फोटो इसमें कन्वर्ट करेंगे इसमें लगाने के लिए, वो फोटो हमारा कुछ इस प्रकार से आपको बनाया गया है, ठीक है। अब गाइस, इस फोटो को आपको कहाँ तक इसको लेके जाना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आगे आपका जो एनिमेशन है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, तो यहीं तक आपको इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस, ऐड हो जाने के बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक करके रखना है, ठीक है, और इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर जो आपका फोटो रहेगा सबसे पहले नीचे रहेगा, और यहाँ पर आपको एक प्लस पे की देना है, फिर थोड़ा सा आपको आगे जाना है और एक और की देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो को ऊपर लेके आना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट बीट पर जाना है, फिर से आपको एक की देना है, और यहाँ पर भी आपको सेकेंड फ़ोटो को लेके आना है, ठीक है। फिर से आपको नेक्स्ट बीट जो आएगा इस पर भी जाना है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से फोटो को लाना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट बीट आएगा, इस पर क्लिक करके प्लस पर की देना है, और यहाँ पर भी आपको फोटो को ऐड कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट बीट आएगा तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से फोटो को दे देना है। फिर जो आपका नेक्स्ट बीट आएगा इस पर भी क्लिक करके प्लस पर एक की देना है, जो आपका एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट बीट है यहाँ पर आपको कुछ जूम इफेक्ट लगाने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आप इसके बाद इतना आपको करने के बाद सिंपली ये की फ्रेम दे देना है, तो सिंपली इस बीच पर आना है जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से यहाँ तक कुछ इस प्रकार से इसको, यानी कि ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा, इसको मैंने इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर यहीं पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर लेकिन पेस्ट कर्व टू आल की फ्रेम पर
क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका सभी पर इस प्रकार से लग जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि बीट के अकॉर्डिंग आपका जो इफेक्ट है यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी को कॉपी करके रखना है, थर्ड पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, फिर इसी को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये कुछ इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। और इसी पर क्लिक करके रखना है, थर्ड पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देना है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नीचे वाला पार्ट इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा मिनिमाइज इस प्रकार से, ठीक है। और इसका जो इस पर नीचे वाले पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेचुरेशन दे देना है, ठीक है। और इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड इसको ब्लैक एंड व्हाइट इस प्रकार से कर देना है। तो गाइस जब भी ये साथ में जाएगा यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ये इंटरफेस बन रहा है, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी गाइस मैं आपको कुछ ये बनाया हूँ, इसको हम क्लिक करके ऊपर लेकर आएंगे और इस पर बीच में हम इस प्रकार से इसको करके इनेबल कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार के, मैं आपको मटेरियल्स देने वाला हूँ जो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करना है, इसको रोटेट करके 90 डिग्री पे और इसको आपको इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी क्या इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑफ स्ट्रिप जाना है और इसको इस प्रकार से स्क्रीन कर देना है। जब भी यहाँ पर ये प्ले होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के एनिमेशन भी बन के आएंगे, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी क्या सिर्फ ये यहीं तक ही रहने वाला है, ठीक है, सिर्फ तक ही रहेगा, इसको आपको कट कर देना है, यानी कि 9 सेकंड वाला पार्ट आपका बन जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिरिक्स इफेक्ट ऐड करने हैं। सबसे पहले बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको ये जो दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको कॉपी करना है, लेयर पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेंगे और जो बिट मार्क प्रोजेक्ट है इसको क्लिक कर देना है, सिंपली लेयर पर क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह आ गया हुआ है पहली बार कुछ इस प्रकार से। अब जो लिरिक्स बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है, इस ग्रुप को आपको कॉपी करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से। इसके आगे जो भी इसमें बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें टाइप करना है, चैट ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, इस प्रकार इसको ओपन करके अपने अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ पर रहने वाला है, वो सुन के आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इसको पेस्ट करना है बिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब आपका नेक्स्ट बिट आएगा सिंपली यहाँ पर भी क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो लिरिक्स है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप साइड में चाहे जैसे भी, जैसे मान लीजिए आप इसको साइड में रखना चाहते हैं तो इसको साइड में भी रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और आपको चाहे तो आप राइट में भी अगर लिखना चाहते हो तो इधर भी आप इसको इस प्रकार से लिख करके इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप इसको चाहे तो वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो लिरिक्स है वो लिखा जाएगा। उसके बाद गाइस आप तक अभी गाइस आगे जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जो आपका नीचे वाला पार्ट है सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपको इंस्टॉल आइकॉन पर क्लिक कर देना है और आपने अभी जो फोटो भी कन्वर्ट किया है कुछ इस प्रकार से ये वाला, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। फिर नीचे वाले पर भी क्लिक करके रखना है और इसको भी इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देना है, तो नीचे भी हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। और बीच में आपको जो फोटो लगाना होगा अपने अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो कलर पे क्लिक करके स्टाइल आइकन पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जो फोटो इन केस अच्छा लगता है वो फोटो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी फोटो को या फिर इसी फोटो को किसी फोटो को भी यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अटैच हो गया है। अभी गाइस आपको थोड़ा सा आगे जाना होगा और यहाँ पर आपको जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको जो भी अपने अभी जो फोटो पिक्सल ऐप से क्रिएट किया उसको यहाँ पर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको हार्ट में फोटो चेंज करना है इस पर क्लिक करके, कलर पे क्लिक करके आप जो फोटो अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग आप जो दिल वाला इमेज है इसके अंदर आप इमेज को ऐड अपने फोटो को ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। अब अगर ये फोटो आगे पीछे ऊपर होगा तो यहाँ पर भी आपको सेम ही फोटो ऐड करना है, जैसे मान लीजिए ये फोटो मैंने ऐड किया था पीछे, तो आपको सेम उसी फोटो को दोनों में ऐड करना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो वीडियो यहाँ पर ये बनके तैयार हो चुका है। अभी गाइस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये डबल बिट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके एक फोटो को ऐड करना है, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, बच्चे पार्ट को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डबल बिट आपको आगे आगे दिखाई दे रहे हैं सभी पर आपको फोटो को ऐड कर देना है, ठीक है। अभी आपको इसमें ऐड करने के बाद इस पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, सबसे पहले मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर फोटो वगैरह ऐड कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस पे इफेक्ट लगाने हैं तो कौन सा लेंगे, बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर तीन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो तीनों फोटो मैंने ऐड किया तो तीनों फोटो पे अलग अलग इफेक्ट लग जाएंगे। तो इस पर क्लिक करके आप थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करके ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ये भी, तीनों से आपको जो भी अच्छा लगता है वो इफेक्ट आप तीनों पर अटैच कर सकते हैं। जो कि मैं तीनों अलग अलग करके लगाया हूँ, आप चाहे तो तीनों फोटो पे इसी प्रकार से इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर ये ऐड कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बीच
में आप जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब इसके अंदर कौन सी इमेज ऐड करनी है, तो जो आपने अभी इमेज बनाया है उसी इमेज को ऐड करें जो कि पिक्सल लैब से आपने बनाया है, तो उसी इमेज को आपके यहाँ पर ऐड करना है जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इतना बन जाने के बाद गाइस थोड़ा सा जाना आ गया आपको। अब आगे जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आ जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी फोटो अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है वो फोटो आप इसमें चूज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस जो लास्ट वाला आपका इफेक्ट है जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, तो जो आपको बता दूं कि जो नीचे वाला पार्ट रहेगा आपको इस पर क्लिक करके जो आपने अभी पिक्सल लैब से बनाया है वो वाला आपको नीचे वाले में रहेगा और जो ऊपर वाले में रहेगा और वो भी इसमें, यानी कि दोनों फोटो हमारा ऊपर नीचे सेम रहने वाला है और जो बीच में फोटो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगता है वो फोटो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है। तो मैं इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और हमारा जो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बॉक्स पर क्लिक करके इसको आप बहुत आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।